हेलो बच्चों नमस्कार लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था बुज़ो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स ओके तो हम इससे आगे चलते हैं uh, मैंने ये भी बता दिया था वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेज एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेजेस पैसेज फॉर द न्यूट्रिय टू रीच द लीफ दे आर कॉल्ड वेजल्स मैंने वेज़ल्स तक आपको बताया था एग्जाम्पल भी बताया था तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इंड प्लान्ट चैप्टर इलेवन आप इसके बारे में जो ट्रांसपोर्टेशन है उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फूड एंड जो वाटर है मिनरल्स है वो पत्तियों तक कैसे पहुँचता है वो हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में पढ़ेंगे तो चलिए आगे चलते हैं पहली कुछ कहती है क्या पहली वॉन्ट्स टू नो वो कुछ जानना चाहती है वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथिसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट तो क्या बोला है कि पहली जानना चाहती है कि ऐसा स्पेशल क्या होता है लीव्स के बारे में वो जानना चाहती है कि स्पेशल क्या है दैट दे कैन सिंथिसाइज़ फूड जो लीव ही कर सकता है बाकी और पार्ट्स नहीं कर सकते तो लीव्स के पास ऐसा क्या स्पेशल है आपके माइंड में भी आता होगा कि जब बताया गया है कि फ़ूड अपने आप से खाना बनाते हैं तो ऐसा क्या होगा उसके पास जो फ़ूड अपने आप बना बन जाता है उनके पास से तो चलिए उसके लिए आंसर देखते हैं क्या है ओके okay? hmm. तो आंसर यहाँ पर है आपका जो लीव्स जो पहली का क्वेश्चन था कि पत्तियों के पास ऐसा क्या होता है तो क्या है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल मैंने इससे पहले भी थोड़ा सा हिंट बताया था आपको तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रीन लीव्स होती है जितनी भी ग्रीन लीव्स हैं उनके पास क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है क्या होता है ग्रीन पिगमेंट व्हाट इज़ ग्रीन पिगमेंट कि उनके जो आपने देखा है पत्तियाँ ज़्यादातर हरी होती हैं ओके okay. तो हरी होने के बाद वो वहाँ पर क्या मौजूद है ग्रीन पिगमेंट ठीक है और उसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है यही आपको याद रखना है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट उनके पास ग्रीन पिगमेंट है और वो क्या कहलाते हैं ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल यहाँ तक समझ में आ गया ठीक है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी और जो पिगमेंट का काम होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का काम जो है वो क्या है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट जो सनलाइट में एनर्जी है उसको कैप्चर करना ठीक है दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथिसाइज प्रिपेयर फ्राम फूड फ्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओके ये सिंथिसाइज़ करता है किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ सिंस देसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट तो यही वजह है कि सन जब होती है तो वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं अगर सनलाइट नहीं होती है तो वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते खाना इन द सेंस कि वो भी अपने लिए प्रोटीन्स बनाते हैं ओके okay? सिंथेसाइज करना यानी कि सबको मिला के उससे फूड बनाना और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट इन द सेंस इलेवेंथ चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ कॉल्ड फोटोसेंथिस जो प्रोसेस कहलाता है जो ये सारा काम होता है वो किस प्रोसेस में आता है फोटोसिंथेसिस फ़ोटो मीन्स लाइट सिंथिसाइज मीन्स कंबाइन लाइट क्यों बोला गया है क्योंकि जो सन से जो लाइट आ रही है वो लाइट है तो फोटो मीन्स लाइट ओके सिंथिसाइज मीन्स सारी चीज़ों को कम्बाइन करके उससे फूड बनाना तैयार करना सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सन लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिस इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ पूरे अर्थ पर पृथ्वी पर एक अलग ही तरह का ये प्रोसेस है यूनिक है ठीक है द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर की जाती है किसके द्वारा लीव्स के द्वारा एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड और वो एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है फूड के रूप में समझ में आ रहा है बच्चों थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है टेंथ तक के बच्चों को पूछा जाता है वॉट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपको आंसर मिल गया द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज़ द एबसेंस ऑफ फोटोसिंथिस क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर सोचो दिमाग से ऑब्वियसली बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट उगेंगे ही नहीं और प्लांट्स नहीं उगेंगे तो जानवर नहीं होंगे प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने पहले भी बताया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओके इन द एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी तरह का फूड वहाँ पर नहीं होगा द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स डिसाइड्स ऑक्सीजन which इज़ essential फॉर द सर्वाइवल ओके तो अगर प्लांट्स नहीं हैं तो ऑक्सीजन नहीं होगी और ऑक्सीजन कैसे मिलती है जब वो photosynthesis करते हैं तभी उस समय जो ऑक्सीजन वो बनती है उससे जो उनका वेस्टेज निकलता है वो किस रूप में निकलता है ऑक्सीजन के रूप में निकलता है हमारा जो वेस्टेज होता है कैसा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ओके okay, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद वो बाहर आती है तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और उन उनमें से क्या निकलता यहां है ऑक्सीजन यहाँ तक में आया तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पिक ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ठीक है तो जो आपने देखा होगा वहाँ पर डेजर्ट्स प्लांट्स कैक्टस वगैरह देखा है तो वहाँ पर स्टेम में ये सारी चीज़ें पाई जाती है जिसकी वजह से वो अपना खाना बना लेते हैं ओके तो चलिए आगे चलते हैं Of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. If photosynthesis have photosynthesis, then life possible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbon carbohydrates. The process can be represented in an equation. अब जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और फिर किसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों अगर है और ये दोनों मिला दिया जाए तो आपका जो बनेगा आपका क्या बनेगा यहाँ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा ओके कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन क्लियर हो गई बात ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं इसमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं ये आपको ध्यान से समझना है और जब आपके पास बुक आ जाए या आप इससे भी बुक अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है डायग्राम है ठीक है जो कि एग्ज़ाम से डायरेक्टली रिलेटेड है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है लेबलिंग करने के लिए आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख के बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में ठीक है पेंसिल से बनाना है गार्ड सेल्स स्टोम स्टोमा ओके सेक्शन ऑफ लीफ ये लीफ का एक सेक्शन है देख सकते हो आप और ये लीफ के अंदर का पोर्शन दिखाया हुआ है स्टोमा ओके गार्ड सेल जो साइड में दिख रहा है आपको एरो से ये गार्ड सेल्स हैं स्टोमेट स्टोमेटल ओपनिंग है जब फूड बन जाता है तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की उनको जरूरत पड़ती है तो वो अपना मुंह खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो ऑक्सीजन जो उसके अंदर बना होता है वो रिलीज हो जाता है ओके okay, तो एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन आ जाता है और वहाँ से एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर वापस मुँह बंद हो जाता है फिर वो सिंथिसाइज़ करते हैं सबका मिश्रण करते हैं एंड देन फिर दोबारा वो ऑक्सीजन जब जनरेट हो जाता है तो फिर वो स्वेल uh, अप हो जाती है उसका मुंह और वो खुल जाता है और खुलने के बाद फिर वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फिर एंटर हो जाता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है ठीक है तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा अब इस वाले पोर्शन में देखिए ये जो फिगर आपको दिख रही है वन पॉइंट थ्री क्लियर हो रहा है ठीक है वन पॉइंट थ्री में आप ये बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है हमारे एनवायरमेंट में लाइट एनर्जी जो लाइट की एनर्जी है वो कौन यूज़ कर रहा है लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर रहा है लीव्स और वहां से रिलीज हो रहा है देख रहे हो एरो दिख रहे हो आप इस एरो से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसने लिया और फिर उसके बाद ऑक्सीजन बना के छोड़ दिया क्लोरोफिल इन लीव्स और लीव्स में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल वाटर एंड मिनरल्स जो है ज़मीन से मिल रहा है इसको क्लियर हो गया डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस का अगर कोई डायग्राम पूछते हैं बनाने के लिए तो आप इस तरह का अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं क्लियर हो गई बात तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट देंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर जो स्टार्च आ जाता है स्टार्च का मतलब होता है मैं ऐसे समझाता हूं अगर कभी आप आलू काटो ठीक है घर में कई बार काटा होगा कई बार आपने देखा भी होगा मम्मी को कि आलू बैगन ऐसी कुछ चीज़ें काटते हैं तो उसको पानी में डाल देते हैं तो कभी पूछना कि मम्मी से कि मम्मी आपने काट के इसको पानी में क्यों डाला ठीक है ऐसा इसलिए करते हैं कि जब भी कभी हम कोई चीज़ काटते हैं तो उसको अगर खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है स्टार्च आ जाता है वो काला काला पड़ जाता है ठीक है इससे क्या पता लगता है कि उसके अंदर स्टार्च है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि स्टार्च इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट ठीक है स्टार्च जो है एक तरह का क्या है कार्बोहाइड्रेट इससे ये पता लगता है कि उस फल या सब्जी में कार्बोहाइड्रेट है क्लियर होगी बात या कोई भी चीज़ खाने पीने की मैक्सिमम चीज़ें ज़्यादातर जा, आप देखोगे कि काटने के बाद अगर बाहर छोड़ते हो तो वो काला पड़ता है ठीक है इसका मतलब क्या है स्टार्च है ओके वो काला काला जो है वो क्या है स्टार्च है और उसको उसके अंदर क्या पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गई बात ठीक है तो यहां पर चलते हैं आगे बूझो बूझो कुछ कहता है जरा देखते हैं बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड जो बूझो है उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं डीप रेड गाढ़े लाल के वॉयलेट ठीक है और ब्राउन uh, लीव्स और कुछ की ब्राउन लीव्स है ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस वो जानना चाहता है क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आपके अगल बगल में बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे होंगे उसमें ब्राउन लीव्स होंगी ब्लू लीव्स होंगी हर तरह की लीव्स वहाँ पर देखने को मिला होगा तो उससे क्या आप समझते हो कि यस ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो डूइंग फोटो सिंथिस ठीक है वो भी फोटो सिंथिस करते हैं उनके पास भी कैपेबिलिटी है फ़ोटो सिंथिस करने का क्योंकि उसके अंदर भी क्या पाया जाता है क्लोरोफिल ओके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है पत्तियों के रंग से मत जाइएगा उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इज इट क्लियर आई होप आपको ये समझ आया होगा ठीक है तो इस लेक्चर में इतना ही और इसके बाद फिर मैं एक और लेक्चर तैयार करूंगा आप लोगों के लिए बस थोड़ा थोड़ा आप लेक्चर सुनते जाइए और डेफ़िनेटली ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ठीक है मैं इसका आंसर ज़रूर दूँगा आपको ओके इसके बाद हम थर्ड पार्ट आपके लिए और तैयार करेंगे जिसमें आपको इसके आगे की जानकारी देंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच